मुरादाबाद से हैं। पूर्व सफाई कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर बुलेट शोरूम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बुलेट शोरूम से हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। चोरी की इस घटना में शामिल दो आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस चोरी की गई नकदी और दो मोबाइल भी बरामद कर लिए। रात्रि में सिविल लाइन थाना क्षेत्र पीली कोठी पर स्थित रॉयल इनफील्ड ऑटोमोबाइल शोरूम में चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने शोरूम में रखी लगभग 7 लाख रुपए की नकदी और दो मोबाइल चोरी कर लिए थे। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिविल लाइन आशुतोष तिवारी की माने तो पूर्व में रहा शोरूम का सफाई कर्मचारी ने अपने साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। सागर भाई हाथ जरा पीछे करना। वो ले लीजिए नोट, वो प्रेस नोट। भाई इधर देखना। सर इधर देख। ये क्या करता दूसरा वाला जो? मित्र है। अरे इधर भाई साहब। 10:11 की रात में पीली कोठी के पास रॉयल एनफील्ड का शोरूम निगलानी शोरूम है, इसमें चोरी की एक घटना हुई थी। इसमें लगभग 6,60,000 के आसपास रुपये मिल गए थे। सर्विलांस की मदद लेके और जो भी हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस है, इसमें हमने तहकीकात की, दुकान वालों से पूछताछ की गई। इस चोरी में दुकान का एक पूर्व कर्मचारी जो इनके यहाँ सफाईकर्मी था और दुकान के द्वारा पहले ही निकाला गया था, इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस चोरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बढ़िया काम करते हुए लगभग 100% धनराशि बरामद कर ली है, जिसमें से 6,57,500 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। लगभग 8 या 9 हज़ार रुपये जो खर्च हुए हैं उसका भी प्रयास किया जा रहा है, उसमें बरामद। सर ये जो गिरफ्तार हुए हैं क्या वर्कर थे वहाँ? जी वो यहाँ पहले काम करते थे, लेकिन इनके बुरे व्यवहार की वजह से इन्हें इनके पूर्व मालिक ने निकाल दिया था। साथ ही इस घटना में दो मोबाइल ही प्रयुक्त हुए थे, उनकी बरामदगी की जा चुकी है। क्या पूर्व में भी कोई इन्होंने? नहीं, उसकी जांच की जा रही है, अगर कुछ होगा तो हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सागर भाई हाथ जरा पीछे करना। वो ले लीजिए नोट, वो प्रेस नोट। नोट रखें, उठा दो नोट। नोट आर्टिफिशियल। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।